1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद यह कई राज्यों और रियासतों में विभाजित हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, उनके पास इन क्षेत्रों को एक राष्ट्र में एकजुट करने का चुनौतीपूर्ण मिशन था। अधिकांश राज्य स्वेच्छा से भारत में शामिल होने के लिए सहमत हुए, लेकिन 3 राज्यों ने चुनौतियां पेश की। पहला था राजस्थान। राजस्थान में एक मुस्लिम राजा वाला हिंदू बहुल राज्य हिंदू नागरिकों ने भारत का हिस्सा बनना चुना। दूसरा था जम्मू और कश्मीर, एक हिंदू राजा लेकिन एक शक्तिशाली मुस्लिम कमांडर इन चीफ के साथ जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हिंदू राजा ने भारत से मदद मांगी, जिससे इसका एकीकरण हुआ। तीसरा और आखिरी हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम एक नया देश बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने गुप्त सैन्य कार्रवाई करके निजाम को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अटूट प्रयासों और कूटनीति ने उन्हें भारत को एकजुट करने वाला लौह पुरुष